नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वेरिटी भारत। MBBS, BDS और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हर वर्ष NTA की तरफ से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में सरकारी कॉलेजों में सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों को ही एडमिशन मिल पाता है। वहीं मजबूरी में कम रैंक लाने वाले अभ्यर्थियों को प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना पड़ता है, जिसकी वजह से कई परिवारों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। साथ ही गरीब परिवार से आने वाले बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में फीस ज्यादा होने के चलते एडमिशन नहीं लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 50% मेडिकल सीटों पर सरकारी कॉलेज के बराबर फीस ली जाएगी। जन औषधि दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि योजना की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर की ही फीस लगेगी। यह नियम अगले वर्ष से लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। अगले सत्र से नियम लागू कर दिया जाएगा। यह फैसला निजी विश्वविद्यालयों के अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी लागू होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए वीरी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।